या इतनी डिप्लोमेसी की अभी भारत के टॉप डिप्लोमेट हैं, वॉशिंगटन में जाके वेस्टर्न मीडिया को कहा कि जी तुम बायस हो, तुम कवरेज अच्छी नहीं करते इंडिया को, इंडिया की कवरेज क्यों अच्छी नहीं देते तुम लोग। तो ये क्या है ऐसा डॉक्टर जय शंकर को जो आप समझ अमेरिका को आड़े हाथों लिया था। बहरहाल आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को आईना दिखाने के बाद अमेरिकी मीडिया को भी धो दिया। ये बात किसी से नहीं छिपी कि अमेरिकी मीडिया भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने में सबसे आगे है। दोस्तों, आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, यहाँ पर बात हो रही है, डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका में बैठकर अमेरिका के ही मीडिया को लताड़ा, और जो अमेरिका का दुगलापन है पाकिस्तान को लेकर उसको पूरी तरीके से वहीं पर बोल दिया, जो कि काफ़ी बड़ा कदम है। आप अमेरिका के खिलाफ ऐसे बात नहीं कर सकते, बट इंडिया का स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड वाला जो रवैया है बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात, पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं। वीडियो में आप आगे देखेंगे एक रिपोर्टर, उसके साथ कमर चीमा और सुमित पीर सर बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने। पहले वीडियो देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान को मदद देने के बाद अमेरिका भारत का विरोध झेल रहा है। अमेरिका ये सोचकर चल रहा था कि वो अपने स्वार्थों के लिए पाकिस्तान की मदद भी कर देगा और भारत कुछ कहेगा भी नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत ने अमेरिका की कड़े शब्दों में निंदा की। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो यहां तक कह दिया था कि आप हमें मूर्ख नहीं बना सकते। अब इन सभी के बीच मामले को शांत करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को नसीहत दे डाली है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के विदेश मंत्री से कहा है कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को सही रखें। अमेरिका की पाकिस्तान को यह नसीहत भारत का गुस्सा कम करेगी, इसके बारे में कहना मुश्किल है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की पाकिस्तान को यह नसीहत भारत की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद आई है। आपको याद होगा कि भारत ने अमेरिका की पाकिस्तान को दी जा रही मदद पर सवाल उठाए थे। भारत ने अमेरिका को आड़े हाथों लिया था। बहरहाल आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को आईना दिखाने के बाद अमेरिकी मीडिया को भी धो दिया। ये बात किसी से नहीं छिपी कि अमेरिकी मीडिया भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने में सबसे आगे है। कोरोना महामारी हो या रूस और यूक्रेन का युद्ध, अमेरिकी मीडिया ने भारत की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिकी मीडिया ने तो पाकिस्तान के षड्यंत्र को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन इस बार अमेरिकी मीडिया विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने पड़ गई और जयशंकर ने भी अमेरिकी मीडिया को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जयशंकर ने अमेरिकी मीडिया को कश्मीर के मुद्दे पर ही घेर लिया। जयशंकर ने भारत के संबंध में पूर्वाग्रही यानी बाइज्ड खबरें दिखाने को लेकर द वॉशिंगटन पोस्ट सहित कई प्रमुख अमेरिकी मीडिया घरानों को आड़े हाथों लिया। जयशंकर ने कहा कि मैं मीडिया में आने वाली खबरों को देखता हूँ। कुछ समाचार पत्र हैं जिनके बारे में आपको अच्छी तरह पता होता है कि वो क्या लिखने वाले हैं, और ऐसा ही एक समाचार पत्र यहाँ भी है। बताया जा रहा है कि जयशंकर का इशारा द वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ था। जानकारी के लिए बता दें कि वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका से प्रकाशित होने वाला दैनिक अखबार है। इसके मालिक अमेज़न के जेफ बेजोस हैं। बहरहाल कश्मीर मुद्दे को अमेरिकी राजधानी में गलत ये जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं डॉक्टर साहब, और ही इज वाइडली रिस्पेक्टेड वर्ल्ड वाइड, और पूरी दुनिया में उनका एक बड़ा वो है के बड़े कैरियर डिप्लोमेट रहे हैं। इतनी दुनिया में सफर किया, इतनी डिप्लोमेसी की, अभी भारत के टॉप डिप्लोमेट हैं, वॉशिंगटन में जाके वेस्टर्न मीडिया को कहा कि जी तुम बायस हो, तुम कवरेज अच्छी नहीं करते इंडिया को, इंडिया की कवरेज क्यों अच्छी नहीं देते तुम लोग। तो ये क्या है ऐसा डॉक्टर जयशंकर को जो आप समझते हैं, और भारत का ऐसा क्या मसला है कि भारत समझता है कि उसको कवरेज अच्छी की नहीं मिल रही वेस्टर्न मीडिया में? इंडिया क्यों कंसर्न है, मसला क्या है इंडिया को? क्या वाकई ऐसा है जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। एज यूजुअल आपने गूगली तो दाग दी है, तो आप जरा विकेट बचाते हुए इसको बाउंड्री के पार निकालना है, मसला ये है। देखिए चीमा साहब, है क्या, तीन चार चीजें यहाँ पे। पहली चीज ये है कि अगर आप 15 अगस्त का मोदी जी का स्टेटमेंट, जो उन्होंने भाषण दिया था, स्पीच दिया था, उसको देखें, उन्होंने बोला था गुलामी की हर जंजीर को मिटाना, हर चिन्ह को, हर पन्ने को मिटाना है।
मतलब देर हैज टू बी नो इंपीरियल हैंगओवर और देर हैज टू बी नो इंपीरियलिस्टिक आइडियाज और थॉट प्रोसेस व्हिच हैज टू बी इन द डेली लिविंग एंड ऑल दैट. तो ये जो है ये पहला पहला मुद्दा वही जो डॉक्टर जयशंकर ने जो कहा उसकी कंटिन्यूटी. दूसरी बात, मोदी जी ने आपको याद होगा 2014 के इलेक्शन में 19 के इलेक्शन में सॉरी बोला था कि हम घर में घुस के मारते हैं. अब ये घर में घुस के आप बोलोगे यार इसका इससे क्या मतलब. देखिए यूरोप की सरजमीन पे यूरोप को नाप दिया, अमेरिका की सरजमीन पे अमेरिका को स्टेटमेंट दे रहे. यहाँ बैठ के देते तो मजा नहीं आता, मजा है वहां की सरजमीन पे उनके मीडिया में उनके प्लेटफॉर्म पे उनको स्टेटमेंट देना, उनकी उनको असलियत बताना. अब यूरोप वाला मसला देख लीजिए तेल का, डॉक्टर जयशंकर ने बोला भाई आप जितना हम तो तेल है तो आप एक हफ्ते में लेते हो. ठीक है जी, वो यूरोप का मसला आप देखिए उसके बाद शांत हो गया, सब ने यू टर्न ले लिया, एक एक करके सब यू टर्न लेने लगे, सब यू टर्न लग गए. अब आप इस मसले को देखिए. अब यहाँ क्या था, अगर आज हम यहाँ से वॉशिंगटन पोस्ट को कुछ कहे नहीं कहे तो कहते ठीक है यार आप इंडिया में बैठ के तो कुछ भी कह लो. वैसे हम तो रोज ही कहते हैं, मैंने तो 500 चीजें बोल रखी हुई है, मेरे 500 डिबेट होंगे इस पर. बट हाँ, अब वहां डॉक्टर जयशंकर साहब वहां उनकी सर जमीन पे बिल्कुल डायरेक्ट कहते हैं एंड वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स हु इज फ्रॉम दिस टाउन, मतलब नाम नहीं लिया बट सब समझ गए वॉशिंगटन पोस्ट की बात हो रही थी. कल इसमें हमारे नेशनल टीम पे बाय द वे प्राइम टाइम पे डिबेट भी था, मैं भी था उसमें. देखिए ये एक भड़ता हुआ भारत है, उभरता हुआ भारत है, जो मैंने आपको पहले कहा गए वो दिन चीमा साहब देन व्हेन पीपल आउट ऑफ इंडिया कुड सेट द नैरेटिव्स हियर, कुड सेट द थॉट प्रोसेस हियर. गए वो दिन जब वॉशिंगटन पोस्ट वाज सीन एज द एपिटोम ऑफ ब्रिलियंस ट्रूथ एंड एनलाइटनमेंट एंड यू नो द व्हाटएवर इज रिटन इन वॉशिंगटन पोस्ट आर वर्ड्स ऑफ बाइबल, मतलब उसमें कोई डिस्कशन नहीं, कोई मतलब नहीं, जो लिखा जी बिल्कुल सब गॉस्पल ट्रूथ है, कोई नहीं, इट्स एक्शियम. एक्शियम इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ट्रूथ व्हिच नीड्स टू नो फर्दर एक्सप्लेनेशन. वो जमाना गया. अब जैसे जैसे इंडिया बढ़ रहा लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है, कुछ ना कहीं इधर उधर टांग खींचते हैं, यहाँ करते हैं वहां करते हैं. आपने देखा पीछे जेफ बेजोस साहब यहाँ आए थे, सेम कलर का कुर्ता पहना था पर सिल्क का था, कोई मिला नहीं, 3-4-5 दिन कुर्ता पुर्ता पहन के घूमे, कोई कोई किसी ने कुछ खास घास डाली नहीं. सॉरी टू यूज नॉट अ प्रॉपर वर्ड पर थोड़ा हमारी जो हिंदी वाले दर्शक है जो हमारे दर्शक को ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं. देखिए किसी ने घास डाली नहीं उनको, बट कई बार मैं ऐसे वर्ड कर लेता हूँ कि विच आर नॉट वेरी सब भी नहीं मानते उनको बट जस्ट फॉर द इन द फ्लो ऑफ थिंग्स आई यूज. तो चीमा साहब उन्हें किसी ने घास डाली नहीं. अब अमेजोन ने का, अब वॉशिंगटन पोस्ट का मालिक कौन है अमेजोन, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस अब चला क्यों रहे उससे. अब आप बोलोगे जी वॉशिंगटन पोस्ट की सर्कुलेशन है सुमित भाई, ये है वो है, जितनी वॉशिंगटन पोस्ट की सर्कुलेशन उससे ज्यादा हमारे एक हिंदी का पेपर आता दैनिक जागरण, 10 गुना ज्यादा सर्कुलेशन है वॉशिंगटन पोस्ट से, 10 गुना ज्यादा. दैनिक जागरण शायद नाम सुनाओ नहीं सुनाओ आपने, 10 गुना ज्यादा सर्कुलेशन है वॉशिंगटन पोस्ट से. तो अब आप अमेरिका में बैठे बैठे आप ये सोचो कि आप इंडिया के लिए नैरेटिव सेट करो, इंडिया के लिए ये चेक क्या होता है, जब नैरेटिव आप सेट करते हो एनजीओ देखते हैं थिंक टैंक देखते हैं, उसके आधार पर वो एक परसेप्शन बनाते हैं. तो परसेप्शन का गलत परसेप्शन की सीडिंग वहां से होती है. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, 35 से 370 था टेम्परेरी प्रोविजन था, करीब करीब मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ सर. ये वॉशिंगटन CNN ये सब जितने हैं ना अपना अमेरिकन मीडिया फिरंग मीडिया, अब आप जानते हैं इनको अमेरिकन गवर्नमेंट तो कंट्रोल करती नहीं, इंडिविजुअल्स लाइक जेफ बेजोस कंट्रोल करते हैं, जब उनके यहाँ काम नहीं बनती तो वहाँ एक आर्टिकल डाल देते, कोई बात नहीं डाले कोई फर्क नहीं पड़ता, आना तो यही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आर्टिकल डालो ना आलो, कहते ना आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, एक हिंदी में गाना था पहले. अब चीमा साहब क्या हुआ कि 132 आर्टिकल निकाले उन्होंने, 132 आर्टिकलों में से 5 आर्टिकलों में आर्म इंसर्जेंसी या आर्म्स या टेररिज्म का मेंशन था, जबकि 42,000 लोग वहां मर चुके थे 20-30 सालों में. ठीक है ये ऑफिशियल फिगर. कश्मीरी पंडित है हिंदू का एक्सोडस हुआ जेनोसाइड हुआ उसके बारे में एक लाइन किसी ने नहीं लिखी, एक लाइन किसी ने नहीं लिखी. अब आप देख तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म. आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में कमर चीमा बात कर रहे हैं कि भाई आप अमेरिका को अमेरिका में कैसे लताड़ सकते हो. दोस्तों आपको पता होगा अमेरिका में वॉशिंगटन पोस्ट हो या गार्जियन हो, ये कुछ न्यूज़पेपर हैं जिनका रवैया भारत को लेकर एक बड़ा ही अजीब सा रहता है. आपने देखा होगा कि भारत में जब कोविड के टाइम पर लाशें गिरना तो एक बहुत गलत वर्ड बोला, जब मासूम लोग जो नॉर्मली कोविड से इन्फेक्टेड थे वो उनकी जान जा रही थी, तो उस जान जाने को लेकर भारतीय मीडिया की किस तरीके की घटिया रिपोर्टिंग थी. कुछ पत्रकार के नाम आपको पता है, एक दो हैं, एक शायद एक मुस्लिम था जो तालिबान में जाकर वहाँ मारा गया, राणा UVA, वो मतलब इस तरीके की रिपोर्टिंग थी कि जो एक साथ जैसे आपको पता होगा जहाँ पे लोगों को दाह संस्कार किया जा रहा उसकी फोटो दिखा रहे हैं. अमेरिका में भारत से कई गुना ज़्यादा लोग मरे कोविड में, अमेरिका सबसे ज़्यादा
कोविड से इफेक्टेड रहा है, आपको पता होगा। लेकिन वहाँ पे आपने ऐसा कुछ सीन नहीं देखा होगा कि वहाँ पर एक साथ काही हजारों लोगों को दफनाया जा रहा है, उसकी रिपोर्टिंग, उसकी रिपोर्ट टॉप पे दिखाई जा रही है। अमेरिका के मेन न्यूज़पेपर जो हैं उन पर भारत के इन चीज़ों की रिपोर्टिंग की गई, टॉप पर दिखाई गई, और बहुत सारी चीज़ों का निगेटिव रिपोर्टिंग आप समझ सकते हो। हालांकि कोविड के टाइम पर भारत के हालात आपको पता है कितने ख़राब थे, आपके जान पहचान के करीबी किसी न किसी आपका कस्बा शहर नगर जहाँ पर भी आप रहते हो गए, कोई ना कोई तो डेफिनेटली किसी ना किसी की जान गई होगी। जब इतने सारे लोग भारत में मरे, ऑब्वियसली आपको पता है कितना कितना फैला था कोविड भारत में, लेकिन अमेरिका में भी बहुत फैला। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेन चीज पे दिखा रहे हो, वहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ कि दाह संस्कार दिखा रहे हो, वहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ कि जो नदियों में आपको पता है कि किनारे में वहाँ पे दाह संस्कार की फोटो वायरल हो रही है, इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई। लेकिन भारत को लेकर काफ़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग की गई, कश्मीर को लेकर काफ़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग की गई। चुन चुन कर डॉक्टर जयशंकर ने जो बात कही है, डेफिनेटली अमेरिका के टॉप अथॉरिटीज तक ये मैसेज गया होगा, और शायद इसको लेकर वो थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें और आगे ऐसी चीज़ें होने से रुकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कश्मीर को लेकर हो या F-16 को लेकर हो, पाकिस्तान का दोगला चेहरा भी बहुत अच्छे से एक्सपोज किया, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। अमेरिका को हमें ऐसा, हम कोई गिव एंड टेक वाला काम नहीं है, हमें जो सही लगे वो करना चाहिए, हम कोई उनके उनके वो हमें पाल पोस के बड़ा नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के जैसे जैसे शुरू से पाकिस्तान को पाला पोसा, पैसा दिया भीख में, वैसा कुछ नहीं हमारे साथ सीन। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दे चलो।